अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ दिया मुगल एंड वेलकम टू द चैनल द गार्डनिंग हब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अच्छे अच्छे से गार्डनिंग भी कर रहे होंगे, आपके प्लांट्स भी खूब अच्छे से ग्रोथ कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम उगाने लगे हैं अंजीर को कलम से, कि हाउ टू ग्रो फिग प्लांट फ्रॉम कटिंग। तो आए देखते हैं हमें उसकी कटिंग कैसी और कहाँ से उतारनी चाहिए। अपनी वीडियो जो है वो स्टार्ट करते हैं। ये तो दोस्तों आप देख सकते हैं, आपने जो है कटिंग काट लेनी है कुछ इस तरह से। चलो, 6 से 7 इंच की कटिंग आपने देख लेनी है और उसकी उसका नोड एरिया जो होगा उससे नीचे आपने कटिंग काटनी है थोड़ी सी। ये आप देख सकते हैं, ये इसका नोड एरिया है और आपने उससे थोड़ा सा नीचे रख के कटिंग अपनी काट लेनी है। आप जो है थोड़ी सी हार्डवुड कटिंग इसकी काटेंगे। इसी तरह जो है मैं अपनी कटिंग्स उतार लेता हूं, देन आपके साथ शेयर करता हूं। स्टे विद अस। जी तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने 4 कलमें जो है वो अपनी उतार ली हैं। आपने कलम जो है ज़्यादा बारीक नहीं उतारनी, नहीं तो उसकी ग्रोथ जो है वो स्टार्ट नहीं होगी। आपने कलम उतनी उतारनी है जितनी आप वीडियो में देख सकते हैं। इससे मोटी कलम हो सकती है लेकिन इससे बारीक कलम आपने नहीं उतारनी। तो अब टाइम है इनको मिट्टी में लगाने का। ये 2 गमले चूज किए हैं हमने, गमलों में मिट्टी भर लें। एक गमले में आप 2 से ज़्यादा कटिंग्स ना लगाएं, क्योंकि तो उनकी ग्रोथ जो है उनमें प्रॉब्लम हो सकती है। आप एक गमले में 2 कटिंग्स लगा लेंगे तो उनकी ग्रोथ अच्छे से स्टार्ट हो जाएगी। ड्रेनेज हॉल को कवर करने के लिए स्टोन लाजमी रखें। ध्यान रहे कि आपकी मिट्टी जो है वो ज़्यादा हार्ड ना हो, नहीं तो कटिंग सी ग्रो जो है वो स्टार्ट नहीं होगी। सॉफ्ट सॉइल आपने इस्तेमाल करनी है और आपने कटिंग जो है वो उल्टी नहीं लगानी। कटिंग जिसका नोड एरिया ऊपर वाली साइड पे हो तो आपने उस साइड पे ही लगानी है, ताकि उसकी ग्रो जो है अपवर्ड स्टार्ट हो और रूटिंग उसकी मिट्टी में स्टार्ट हो। ये ना हो कि आप कटिंग जो है वो उल्टी लगा दें और वेट करते रहें कि आपकी कटिंग सी ग्रोथ कब स्टार्ट होगी, तो वो कभी भी स्टार्ट नहीं होगी। अच्छे से लगा के आप इसको प्रेस कर लेंगे ताकि कटिंग्स आपकी स्टेबल हो जाएं और पानी देने के बाद अपनी जगह से ना हिलें। अब टाइम है कटिंग्स को पानी देने का। पानी आप किसी भी चीज़ की मदद से दे सकते हैं, लेकिन आपने पानी थ्रो करके नहीं देना, इसलिए मैं जो है ये शावर का इस्तेमाल करूँगा। इससे बहुत अच्छा प्लांट्स को पानी दिया जा सकता है बहुत ईजिली, और प्लांट्स जो है वो स्टेबल रहते हैं, अपनी जगह से भी नहीं हिलते। तो मैं इसमें पानी भर लेता हूँ, देन कटिंग्स को अपनी पानी देते हैं। ये सारी कटिंग्स हमने जो है वो उसी मेथड के साथ लगाई हैं, तो इंशाल्लाह जैसे ही इनकी ग्रोथ स्टार्ट होगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आप अच्छे से एक बार इनको पानी दे दें ताकि मिट्टी जो है नीचे तक पूरी मॉइस्ट हो जाए। हमने इनको बार बार पानी नहीं देना। आपने पहले एक बार पानी दे लेना है, उसके बाद जब मिट्टी कुछ इस तरह से हो जाए देन आपने दोबारा से पानी दे देना है उसको, ताकि मिट्टी जो है नीचे तक पूरी मॉइस्ट हो जाए। तो आप देख सकते हैं आपने जो है ज़्यादा बारीक कटिंग नहीं लेनी, आपने कुछ इस टाइप की कटिंग्स लेनी है, या हमने जिस टाइप की कटिंग्स लगाई हैं आप इस टाइप की कटिंग्स ले सकते हैं। आपने बिल्कुल बारीक कटिंग नहीं लेनी, जैसे बहुत ही नरम लकड़ी वाली कटिंग आपने नहीं लेनी, नहीं तो उसकी ग्रोथ की चांसेस स्टार्ट होने के बहुत कम होते हैं। उसकी ग्रोथ तो स्टार्ट हो जाएगी लेकिन वो आगे जाके हो सकता है स्टेबल ना रह सके और उस वो डेड हो जाए, और हमारे प्लांट जो है हमने इतनी मेहनत की वो सारी ज़ाया चली जाए। तो आप कोशिश करें कि ऐसी कटिंग्स लें जो थोड़ी मोटी हों और उनके ऊपर से शूटिंग भी स्टार्ट हो रही हो, लाइक दिस। आप देख सकते हैं उनके ऊपर से शूटिंग जो है वो अच्छे से स्टार्ट हो रही है, काफ़ी कटिंग्स के ऊपर से शूटिंग जो है वो स्टार्ट हो रही है हमारी।
आप ये भी दे सकते हैं, ये भी इसकी शूटिंग स्टार्ट हो रही है। कटिंग्स लगाने के बाद आपने इनको या तो ऊपर से शॉपर से कवर कर देना है। अगर आपके पास ग्रीन हाउस बना हुआ है, पॉली हाउस, तो आप उसके अंदर रख सकते हैं। अगर तो पॉली हाउस नहीं है, ग्रीन हाउस नहीं है, देन आप इसको शॉपर ऊपर इसके ऊपर बांध के, इसके ऊपर ऐसे शॉपर से कवर करके, तो उसको आप साइडों से अच्छी तरह से बांध सकते हैं ताकि ह्यूमिडिटी प्रोवाइड हो, ताकि ह्यूमिडिटी बने और कटिंग्स ग्रो जो है वो अच्छे से जल्दी से स्टार्ट हो जाए। तो इसी तरह आप जो है ऐसी अच्छी और मोटी कटिंग्स जो हैं वो लगा सकते हैं। अगर आप बिगनर हैं तो आप दो कटिंग्स लगाएं एक गमले में। अगर आपको थोड़ा सा इनके बारे में इंफॉर्मेशन है तो आप 5 से 6 कटिंग्स भी लगा सकते हैं एक गमले में। तो उम्मीद करता हूँ आप भी अंजीर की कटिंग्स जो हैं वो लगा लेंगे, और जैसे ही इनकी ग्रोथ स्टार्ट होगी मैं अंजीर का पार्ट 2 भी बनाऊंगा जब इसकी छोटी छोटी सी शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी और इसके लीव निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप भी जो है अंजीर की कटिंग्स लगाना शुरू कर देंगे। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दें।